अच्छा फालतू, ठीक है तुमने प्यार तो नहीं किया लेकिन तुम्हें कभी किसी ने प्रपोज तो किया होगा ना? ना। लेकिन फालतू सोचो ना, कितना अच्छा लगता है ना जब साल के एक दिन कोई आपको बहुत ही स्पेशल फील करवाता है। लेकिन तुम कैसे समझोगी, तुमने तो कभी प्यार ही नहीं किया। हाँ सही बात है, मैंने क्यों समझ में आने लग गई ये चीजें। हम गरीब लोगों के लिए तो शायद प्यार बना ही ना है, प्यार तो खुशकिस्मत लोगों को मिले, पर सबकी किस्मत कहाँ अच्छी होवे, हमारी तो बिल्कुल ना। गाइस आप देख रहे हो ना, ये लड़की प्यार के बारे में बात करते करते फालतू से फिलोसोफर बन गई। तो आप बताइए आप अपने लव्ड वंस के लिए क्या बनने वाले हैं? तो सबसे यूनिक फॉलोवर को मिलेगा मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट, सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कहने को तो व्हाट्सएप पर मारा कोई हक ना है, लेकिन आज के दिन जब सब लोग अपने प्यार को तोहफे दे रहे हैं तो मैंने भी व्हाट्सएप को कुछ देना चाहिए ना, कुछ ऐसा जो उन्हें पसंद होवे। मॉम आप ना डरा देते हो। डराने वाले काम तो तू करता है सिड, ये क्या कर रहा है, ये तो जूते खाने वाले काम है। क्या तनु के लिए वैलेंटाइन गिफ्ट लेके आए हो, उसमें क्या क्या जूते खाने वाले क्या काम है? आस्ते बोल, ये जूते खाने वाले काम नहीं है तो और क्या है? तू ये भूल रहा है कि तनु तेरी बीवी नहीं तेरे बड़े भाई की बीवी है। किसी को पता ये चल गया कि तूने तन्नू के लिए वैलेंटाइन गिफ्ट लाया है तो ना तू जूते खाएगा, अगर किसी को पता चला तो वो तुझे ना घर से बाहर फेंक देगा और साथ में मुझे भी। सिड तू तो सड़कों पे रह लेगा, मेरे बारे में सोच, मैं सड़कों पे कैसे रहूंगी? मामा कितना 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 ड्रामा करते हो यार आप। व्हाट? इस लड़के ने मुझे परेशान कर दिया है। मॉम आज तनु आयान की वाइफ है, लेकिन जब आयान को यह पता चलेगा तनु से पहले फालतू उसकी लाइफ है तो वो क्या करेगा? तब भी वो तनु को अपनी वाइफ मानेगा? नहीं, इसलिए तो मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। आज जैसे ही आयान तनु का हाथ छोड़ेगा मैं झट से पकड़ लूंगा। इसका मतलब है तू आयान को आज ही सब कुछ बता देगा? कुमकुम, कुमकुम जल्दी रेडी हो जाए वरना मार्केट बंद हो जाएगी। कुमकुम। हाँ दीदी, हो गई, चलो चलो निकलते। हाँ कहाँ जा रही हो? माँ मैं और कुमकुम मार्केट जा रहे, इनके और हर्ष के लिए वैलेंटाइन्स का गिफ्ट लाने। अब आप बच्चों की प्लानिंग तो देख ही रही हो, इसमें हमारे लिए जगह कहाँ? तो हम लोग ने सोचा कि अपने तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट कर दे, कम से कम बूढ़े होने का थोड़ा ख्याल तो कम हो जाएगा। अरे अभी तो मैं भी बूढ़ी नहीं हुई, तुम दोनों कहाँ बूढ़े होने लगे? माँ आप तो घर में सबसे जवान हो। अच्छा चलते हैं हम, और हाँ हमें लेट हो जाएगा, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हमारे पति फ्री है तो फिर हम लोग खाना खाकर ही आएंगे। अच्छा सुनो, सुमित्रा का प्यार खत्म हो गया क्या मेरे बेटे के लिए? माँ फिर वो क्यों नहीं जा रही तुम दोनों के साथ? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, हमने दीदी से भी पूछा था लेकिन उनके कुछ अलग प्लान्स हैं, तो हमने सोचा हम दोनों ही जाएं। ठीक है जाओ मजे करना, एंजॉय। चलो अच्छा है सविता आंटी बाहर जा रही है, वो घर पर ना रहेंगी तो मैं खुल के रसोई में काम कर पाऊंगी।
पिछले कुछ दिनों में ना चाहते हुए मैंने मार साहब का बहुत दिल दुखा है, तो हाजन को थोड़ी सी खुशी देना तो बनता है। अब उनको कोई महंगा तोहफा देने के पैसे तो ना है हमारे पास, उनका मनपसंद पास्ता ही सही, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि मैंने बनाया है। और अगर मारी वजह से उनके चेहरे पर इतनी सी मुस्कुराहट आ गई ना, मारा मन खुश हो जाएगा। पर अभी पास्ता बनाते कैसे हैं? दाल बाटी चूरमा तो है ना, कि आंख बंद करके भी बना लूंगी। इडिया फालतू पहली बार के हिसाब से तो बहुत ही सही बना है, शाबाश फालतू। अब स्मार्ट साहब को भी ऐसे ही पसंद आ जाए तो मेहनत सफल हो जाए। चलिए से जाकर बाकी खाने के साथ इसको बाहर रख देती हूँ, किसी को कुछ पता ना चलेगा। हाउ कम मैं यहाँ आई और तुम लोगों ने पार्टी प्लान कर ली? द पार्टी लुक्स ऑसम यार, तो मेरा भी वहाँ आने का मन कर रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था ना बेबी, ना मुझे आने दिया और ना खुद आए। लेकिन आई प्रॉमिस, जिस दिन आप वापस आओगे ना, उस दिन हमारा वैलेंटाइन डे होगा। ओके बाय बेबी। बाय। वैसे यान भाई जो भी करते हैं ना, एकदम बेस्ट करते हैं। जस्ट लुक एट दिस पार्टी। बाय। भाभी आ गए। वेट वेट वेट, वाओ अयान, ये सब तुमने मेरे लिए किया है? दिस इज सो लवली। अयान, तुम ये मत समझना कि सिर्फ तुम ही मुझे गिफ्ट और सरप्राइज दे सकते हो। मैं भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूं। What? किंचुक, भाभी ये लिमिटेड एडिशन वाली वॉच कहां से ली आपने? यू नो व्हाट तनु, ये मेरी फेवरेट वॉच है। कहां से मिली तुम्हें? आई मीन कहां से ली तुमने? बस कुछ लोगों से बात की, एक दो कॉल्स किए एंड टना आई नो तुम्हें घड़ी चाहिए थी। आई लव इट। मैं पहना दूं? अयान, इस गिफ्ट के साथ मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहती हूँ। सिर्फ ये घड़ी ही नहीं, अगर तुम्हारी खुशी के लिए मुझे पूरी दुनिया भी खरीदनी पड़े ना, तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। अयान माय लव,
तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। हैप्पी और सैड तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। Valentine, may I have the pleasure of a dance with you? Sure. लो जितना नाचना है। आई प्रॉमिस यू तनु, ये तुम दोनों का लास्ट डांस है साथ में, इसके बाद तुम दोनों को दूर होना ही पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगी है ना फालतू, बावली हो गई है क्या? ये मत भूल कि तू 100 जन्म भी ले लेगी ना, तब भी इन लोगों जैसी ना बन पावेगी। तारी हैसियत तो सिर्फ एक नौकरानी वाली रह जावेगी। कौन है तू? तुम्हारी जैसी कैसे दिख रही है? और तू अंदर कैसे आई? किसने इजाजत दी तारे को अंदर आने की? मैं वो फालतू हूँ जो अपनी हद ना भूली है। मैं वो फालतू हूँ, इसके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं और उसने अपनी लक्ष्मण रेखा ना पार की। मैं थारे मन की वो आवाज हूँ जिसे तू दबाने की कोशिश कर रही है। ये सब क्या बकवास कर रही है तू? क्या सोचा था पास्ता बना लिया तो इन लोगों जैसी बन जाएगी? ये मत भूल तू इन लोगों से बहुत अलग है। जैसे पानी और घी आपस में कभी ना मिल सकते, वैसे तू भी इन लोगों से कभी घुल मिल ना पावेगी। तू इस परिवार का हिस्सा कभी ना बन पावेगी। तू और मार्ट साहब कभी एक ना हो सके। हाँ, तुम्हारे को भी कोई शौक ना है इन लोगों में घुलने मिलने का? मारे को बस मारे पैसे चुकाने, फिर मैं ऐसे चली जाऊंगी। बड़ा क्रिकेटर बनना है और कुछ ना चाहिए मारे को। हंस के रही है, चुटकुला सुनाया कि मैंने? और नहीं तो क्या कर रही है? भूल गई कि मैं थारे मन की आवाज हूँ? मैं जानू थारे मन में क्या चल रहा है। तू चाहे कितना भी बोल ले कि मैंने मार्ट साहब के मन में नफरत पैदा करनी है, थारे मन का एक कोना ऐसा भी है जो ये ना करना चाहे। झूठ, बकवास, बिल्कुल गलत। बकवास है? फिर खा ले मार्ट साहब की कसम और साबित कर दे कि जो मैं कह रही हूँ उस तरह अस्तर झूठ है। खाना कसम? क्यों नहीं खा सकते? अरे फालतू, समझ जा, क्यों उस रास्ते पर जा रही है जहाँ थारे लिए कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं? मार्ट साहब सिर्फ तनीषा जी के पति हैं, और ये बात जितनी जल्दी अपने दिमाग में घुसा लेगी ना, उतना ही थारे लिए अच्छा होगा। गलती से मांग भर जाने का ही मतलब ना होगा कि तू उनकी पत्नी बन गई। जिस सिंदूर को अपने माथे में सहेज कर घूम रही है ना, उन्हें उसके बारे में याद भी ना होगा। और अगर याद आ भी गया, उसको गलती समझ कर भुला कर आगे बढ़ जाएंगे। मारी बात मान,
अपने बापू सा खुद का सपना पूरा कर और चली जाए यहाँ से, वरना तू जिंदगी भर फालतू और सिर्फ फालतू बनकर ही रह जाएगी। फालतू नहीं, मेरे फालतू नहीं हूँ, मैं फालतू नहीं हूँ। मैं फालतू ना हूं, अनमोल बनना है मेरे को। अभी तो यही थी, फिर अचानक कहां चली गई? अब सही है ना, तो चली गई। वैसे भी ये पार्टी प्यार करने वालों के लिए, धोखा देने वालों के लिए नहीं। गई होगी फिर से अपनी चिकनी छुपनी बातों से कोई नया मौका फंसाए। फालतू को ढूंढ रहे हो क्या भाई? व्हाट? मैं क्यों ढूंढूंगा उसे? नहीं, तुम पार्टी छोड़कर इधर उधर देख रहे हो तो मुझे लगा कि कुछ चाहिए होगा तुम्हें, तुम्हारी हर बात को, तुम्हारी हर जरूरत को। तुम्हारे बिना कुछ बोले सिर्फ फालतू ही समझ सकती है, तो मुझे लगा शायद तुम फालतू को ढूंढ रहे होगे। बचपन से लेके आज तक ढेरों तोहफे मिले हैं मुझे, लेकिन शायद ही कभी कोई ऐसा तोहफा मिला है जिसने सच में मेरे मन को छुआ। What's going on, guys? तनु, कुछ नहीं, हम बस बातें कर रहे थे। अब फालतू की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मेरी लाइफ पार्टनर तनु है, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, और आज मैं वो सब कुछ दूंगा जो वो डिजर्व करती है। आज मैं उसे पूरे दिल से अपना लूंगा। ये पार्टी बातें करने के लिए रखी है क्या? चलो ना यार, let's dance. तनु, I have a surprise for you. तुम मेरे साथ अंदर रूम में चलोगी? मुझे नहीं पता था यार तुम इतनी रोमांटिक हो। एक और सरप्राइज, और मैं इसमें मना कैसे कर सकती हूँ? Let's go. Enough. मैं अब और वेट नहीं कर सकता अपनी आखिरी बार के लिए। मुझे जो करना है अभी करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।